जय भीम। आज फिर हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साहित्य की चर्चा की कड़ी में आप सबके सामने हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संपूर्ण वांग्मय में दिए गए उनके स्टेटमेंट से। मैं जो कुछ कर पाया हूँ वह जीवन भर मुसीबतें सहन करके विरोधियों से टक्कर लेने के बाद ही कर पाया हूँ। जिस कारवां को आप यहाँ देख रहे हैं उसे मैं अनेक कठिनाइयों से यहाँ से ले आया हूँ। अनेक अवरोध जो इसके मार्ग में आ सकते हैं के बावजूद इस कारवां को बढ़ते रहना है। अगर मेरे अनुयायी इसे आगे ले जाने में असमर्थ रहें तो उन्हें इसे यहीं पर छोड़ देना चाहिए जहां पर अब यह है, पर किन्हीं भी परिस्थितियों में इसे पीछे नहीं हटने देना है। मेरी जनता के लिए मेरा यही संदेश है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संपूर्ण वांग्मय पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज 12 तारीख है और 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 129वीं जयंती होगी। हम उनके वांग्मय के ऊपर हूबहू जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो लिखा हुआ साहित्य है, पांडुलिपियां हैं जो संपादित की गई हैं, उन पर हम आपके सामने बीच में हैं। इसी चर्चा की कड़ी से पहले, जैसे कि हम हर बार करते हैं, अब की बार फिर से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वो अनुयायी जो उनके कारवां को आगे बढ़ाने में जुड़े हुए हैं उनमें से हमारे बीच में एक हैं रमेश भंगी जी। मैं उनके साहित्य पर आपके सामने चर्चा करना चाहूँगी, उनकी कविता का वाचन करना चाहूँगी। मैं और मेरी संतान, मेरा खून पेट्रोल और पसीना तेजाब है, दिमाग बम और आंखें रडार हैं। सुनिए ध्यान से, रमेश भंगी जी जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं उनकी कविता का वाचन मैं कर रही हूँ। मेरा खून पेट्रोल और पसीना तेजाब है, दिमाग बम और आंखें रडार हैं, हृदय ज्वालामुखी कलेजा पहाड़ है, पेशियों में शक्ति का अक्षय भंडार है, मेरी रोबोट से संतान धर्म के पाखंड से अनजान है। ज्ञान विज्ञान और गणित ही उसके तर्क का आधार है, उसे मालूम है गणेश के दूध पीने का रहस्य, तभी तो मेरे घर में पुस्तकों का अंबार है। दई देवता पोन पितर गुड़गामे की मसाणी कलकत्ते की काली, उनके लिए ये बात है बेवकूफ वाली। मुझे प्यारी है ऐसी परंपराहीन संतान जो पाखंड से है पूरी तरह अनजान। परंपरा के नाम का अज्ञान छोड़ दो, जितनी जल्दी हो सके इन बेड़ियों को तोड़ दो, जितनी जल्दी हो सके इन बेड़ियों को तोड़ दो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं, जो उनके उनके काम को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, रमेश भंगी जी की कविता का मैंने वाचन किया, जिन्होंने शिक्षा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मूल मंत्र था उसी को अपने जो उनकी जो बच्चे हैं उन तक भी पहुंचाया है, और कैसे उन्होंने पूरे एक सिनेरियो को हमारे सामने पेश किया। आगे बढ़ते हैं। हिंदू दर्शन, जाति ही पूछो साधु की, मत पूछो तुम ज्ञान, जाति हमारा दर्शन है, जाति ही ज्ञान विज्ञान, जाति विद्या जाति संस्कार, जाति है ईमान, जाति नाम है और जाति पेशा, जाति है पहचान, जाति बिना अस्तित्व शून्य है, जाति है हिंदुस्तान, जाति बिना अस्तित्व शून्य है, जाति है हिंदुस्तान, सर्वस्व हमारा जाति है भगवान। सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के ऊपर जो जिसे आम भाषा में कमीण कहकर संबोधित किया जाता है, मैं माफी चाहूंगी कि मैं ऐसे शब्दों का जो प्रयोग कर रही हूँ एक शोधार्थी होने के नाते, लेकिन जो संसार में शब्द प्रचलित है मैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग भी कर रही हूँ कविता के माध्यम से, मैं क्षमा चाहती हूँ इसके लिए। हम कमीन, हम बेघर हैं, लोगों के घर बनाते हैं, खुद उजड़ते हैं, उन्हें बसाते हैं, किस्मत से अनजान सदा हम पसीना दिन रात बहाते हैं, कर्म ही धर्म है, धर्म ही जीवन है, मंत्र अपनाते हैं और कहते हैं कमीन कहाते हैं। ये आपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी रमेश भंगी की कविता जी को सुना।
अब आपको हैरानी होगी जानकर कि हमारे इस देश में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कारवां को किन्हीं तरीकों से, चाहे वह राजनीति में आना हो, चाहे सामाजिक कार्य में आना हो, या शिक्षा के क्षेत्र में काम करना हो, बैंक के क्षेत्र में काम, तमाम जीवन के जितने हमारे पहलू हैं उनमें जब हम काम करते हैं उनमें कैसे वो अपने मन की पीड़ा शब्दों के माध्यम से करते हैं। मैं दूसरे एक जो बड़े विद्वान हैं हमारे बीच में, जो SC ST आयोग के जो चेयरमैन, उप चेयरमैन भी रह चुके हैं, वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं, डॉक्टर राजकुमार वीरका जी, जो एक राजनीतिक पर्सन है, राजनीति के बावजूद भी किस तरीके से वो एक लेखक भी हैं। हम क्योंकि हम साहित्य के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए कोई भी किसी भी तरह का राजनीतिज्ञ भी अछूता नहीं है अगर वो लेखन के क्षेत्र में काम करता है। कैसे एक राजनेता भी साहित्य की तरफ बढ़ता है, राजकुमार वेरका जी, डॉक्टर राजकुमार वेरका जी की मैं, जो उन्होंने जिंदगी में जिया है, जो आज हमें दिखाई दे रहा है, जो जो बना है यहाँ तक, उनके उनकी कविता का वाचन करना चाहूंगी। समय, ध्यान से सुनिएगा, पूरा एक समाज का एक चित्रण आपके सामने आएगा। आपको उनके इस पहलू से, जो मेरे साथी अनजान होंगे, वो इससे रूबरू मैं इस कविता के माध्यम से उनको करना चाहूंगी आप सबके सामने। समय, पांचवी तक घर से तख्ती लेकर स्कूल गए थे। ये उन तमाम मेरे मित्रों के लिए जो फेसबुक में जो तमाम मेरे दोस्त हैं, उन सब के लिए है कि किस तरीके से हमारे समय के लोग जो सरकारी स्कूलों में जाते थे वो कैसे पढ़ते थे। राजकुमार वीरका जी ने उनको ऐसे शब्दों में पिरोया है। पांचवी तक घर से तख्ती लेकर स्कूल गए थे, स्लेट को जीभ से चाटकर अक्षर मिटाने की हमारी स्थायी आदत थी, लेकिन इसमें पाप बोध भी था, कहीं विद्या माता नाराज ना हो जाए। पढ़ाई का तनाव हमने पेंसिल का पिछला हिस्सा चबाकर मिटाया था। स्कूल में टाट पट्टी की अनुपलब्धता में घर में बोरी का टुकड़ा बगल में दबाकर ले जाना भी हमारी दिनचर्या थी। पुस्तक के बीच विद्या, पौधे की पत्ती और मोर पंख रखने से हम होशियार हो जाएंगे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास था। कक्षा 6 में पहली दफा हमने अंग्रेजी का अल्फाबेट पढ़ा और पहली ABCD देखी। यह बात अलग है कि बढ़िया स्मॉल लेटर बनाना हमें 12वीं तक भी नहीं आया था। कपड़े के थैले में किताबें, कॉपियां, जमाने का विन्यास हमारा रचनात्मक कौशल था। माता पिता को हमारी पढ़ाई की कोई फिक्र नहीं थी, न हमारी पढ़ाई उनकी जेब पर बोझ थी। सालों साल बीत जाते पर माता पिता के कदम हमारे स्कूल में ना पड़ते थे। एक दोस्त को साइकिल के डंडे पर और दूसरे को पीछे कैरियर पर बिठाकर हमने कितने रास्ते नापे हैं, यह अब याद नहीं, बस कुछ धुंधली सी स्मृतियां हैं। स्कूल में पिटते हुए और मुर्गा बनते समय ईगो हमें कभी परेशान नहीं करती था। दरअसल हम जानते ही नहीं थे कि ईगो होता क्या है। पिटाई हमारा दैनिक जीवन की सहज सामान्य प्रक्रिया थी। पिटने वाला और पीटने वाला दोनों खुश थे। पीटने वाला इसलिए कि कम पिटे और पिटने वाला इसलिए कि खुश कि हवा साफ हुई। हम अपने माता पिता को कभी नहीं बता पाए कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं, क्योंकि हमें आई लव यू कहना ही नहीं आता था। आज हम गिरते संभलते संघर्ष करते दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। कुछ मंजिल पा गए हैं तो कुछ न जाने कहाँ खो गए हैं। हम दुनिया में कहीं भी हों लेकिन यह सच है कि हमें हकीकतों ने पाला है। यह सच है कि दुनिया में हम भी थे। कपड़ों को सिलवटों से बचाए रखना और रिश्तों को औपचारिकता से बनाए रखना हमें कभी नहीं आया। इस मामले में हम सदा मूर्ख ही रहे। अपना अपना प्रारब्ध झेलते हुए हम आज भी ख्वाब बुन रहे हैं। शायद ख्वाब बुनना ही हमें जिंदा रखे हैं, वरना तो जीवन
वरना जो जीवन हम जीकर आए हैं उसके सामने यह वर्तमान कुछ भी नहीं, उसके सामने यह वर्तमान कब कुछ भी नहीं। अब हम अच्छे थे या बुरे थे, पर हम एक समय थे। हम अच्छे थे या बुरे थे, पर हम एक समय थे। काश वो समय फिर लौट आए, काश वो समय फिर लौट आए, काश वो समय फिर लौट आए। राजकुमार वेरका जी ने मेरे तमाम मित्रों को, जितने भी फेसबुक पे इस पे जुड़ रहे हैं या जितने भी इसको देख रहे होंगे, उन सब को हमें अपने स्कूल के दिनों में पहुंचा दिया। मैं तो कम से कम ये ज़रूर कहूंगी कि हम ऐसी ही ज़िंदगी को जीते हुए आए हैं। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर राजकुमार वेरका जी ने, छठी क्लास में तो हमने अल्फ़ाबेट देखा था और उसके बाद हमें कहाँ आया था पढ़ना, बहुत बाद तक। ये तो हमारा अपना संघर्ष है कि संघर्ष के बावजूद भी हम यहाँ तक आए हैं। मैं बिल्कुल कहूँगी कि जो ज़िंदगी हमने जी है, जो गुजारे हैं हमने दिन, अगर तुम होते तो गुजर चुके होते, अगर तुम होते तो गुजर चुके होते। आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की चर्चा पे वांग्मय 10 पर चर्चा करना चाहेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे बीच में। हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 10वां वांग्मय ही क्यों चुना, इसकी एक खास वजह है। आप देख सकते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का वॉल्यूम 10, संपूर्ण वांग्मय का खंड 10 में से, करोड़ों आबादी को नकारने का प्रयास। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ये मानना था कि किस तरीके से करोड़ों की आबादी को नकारने का प्रयास किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इसके लिए ठोस कारण देते हैं, और वो ठोस कारण कौन कौन से मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहती हूँ कि किस तरीके से तत्कालीन सरकारें, तत्कालीन समाज, जो करोड़ों की आबादी थी, दलित बहुजन अस्पृश्य की आबादी थी, उनको कैसे नकार देती थी। इस पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो मत रखा है, उन्होंने 6 पॉइंट को इसके ऊपर चर्चा की है। 1, अस्पृश्यों की संख्या काफी समय तक अज्ञात रही। 2, सन 1911 की जनगणना और पृथक जनगणना का पहला प्रयास। 3, सन 1911 की जनगणना के जो निष्कर्ष निकाले गए उनकी पुष्टि। 5, लोथियल कमेटी और हिंदुओं का कोई अस्पृश्य नहीं का नारा। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा, दोबारा फिर मैं रिपीट करती हूँ आप दर्शकों के सामने, लोथियन कमेटी और हिंदुओं का कोई अस्पृश्य नहीं का नारा, और इस नारे के कारण और फिर पिछड़ वर्गों और मुस्लिमों का क्या बोरा था, ब्यौरा था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसके ऊपर लगातार चर्चा की। हम 1 के पॉइंट पे चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि ये समय की विडंबना रही है कि आज भी बहुत सारी ऐसी दलित बहुजन समाज की आबादियां हैं जिनका आंकड़ा हमारे सामने नहीं आता। अगर मैं उदाहरण लूं, जो सफाई पेशे से जुड़ी हुई जातियां हैं उनका भी आंकड़ा हमारे पास है कहाँ। अगर आप सिर्फ ये कहें कि वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग ही सफाई कर्मचारी ही वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग हैं, तो उनकी संख्या कितनी है हमारे सामने, इसकी जानकारी हमें कोई नहीं है। ठीक उसी तरह आप साउथ में चले जाइए, वाल्मीकि वहाँ ओबीसी में आता है और दूसरी जगह पर वाल्मीकि किसी और नाम से जाना जाता है। जो तमाम जो सफाई कर्मचारी जातियाँ हैं वो कहीं चूड़ा के नाम से जानी जाती है, कोई भंगी के नाम से जानी जाती है, या फिर आप देखिए कि कहीं पर वो मजबी के नाम से जानी जाती है, हेला के नाम से जानी जाती है। बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो सफाई कर्मचारी के पेशे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनका आंकड़ा आज तक हमारे सामने नहीं आ पाया, जिसके लिए तमाम मैं संगठनों से भी अपील करती हूं कि हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए कि जनसंख्या का आंकड़ा हमारे सामने आ सके। अगर मैं उदाहरण लूँ काशीराम जी से, काशीराम जी, मान्यवर काशीराम जी ने जिन्हें भी कहा था, जिनकी संख्या जितनी उतनी उनकी भागीदारी, जिनकी जितनी संख्या भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी, ये उनकी स्टेटमेंट थी। तो हमारे पास आंकड़ा नहीं आ पाया। बहरहाल हम लौटते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो कहा, भारत के अस्पृश्यों की कुल आबादी कितनी है। जो व्यक्ति इन लोगों के बारे में कुछ जानना चाहेंगे उसका निश्चय ही पहला सवाल यही होगा। अब तो इस सवाल का जवाब आसानी से दिया जा सकता है। 1931 की भारत की जनसंख्या
के अनुसार उनकी आबादी 5 करोड़ थी, अस्पृश्य लोगों की आबादी। जहां अब यह संभव है कि भारत में अस्पृश्यों की आबादी के बारे में कमोबेश सही आंकड़े दिए जा सके, वहीं पहले काफी समय तक ऐसा करना संभव नहीं था। इसके अनेक कारण थे। पहला कारण तो यह है कि अस्पृश्य कोई कानूनी शब्द नहीं है। अछूतपन की ऐसी कोई स्टिक कानूनी परिभाषा नहीं है कि उसके द्वारा यह परिभाषित किया जा सके कि कौन अछूत है और कौन नहीं है। अस्पृश्यता एक सामाजिक धारणा है जिसने एक प्रथा का रूप ले लिया है, और चूंकि प्रथा का अलग अलग रूप होता है तो वह वही दशा अस्पृश्यता की है। इसलिए इस बारे में सदा ही कुछ न कुछ कठिनाई आ रही है कि निश्चित गणितीय मापदंडों के अनुसार अस्पृश्यों की आबादी का आकलन किया जा सके। दूसरे, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वह सदा इस बात का तीव्र विरोध करते रहे हैं कि जनगणना रिपोर्ट के लिए जाति के अनुसार गणना की जाए। उनका आग्रह है कि अनुसूचियों के लिए जाति संबंधी सवाल को न उठाया जाए और जाति और जनजाति के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण न हो। 1901 की जनगणना के बारे में इसी आशय का प्रस्ताव किया गया था। उसका मुख्य आधार था कि जनसंख्या में विभिन्न जातियां और जनजातियों का विभाजन लंबे अंतराल के बाद बदलता है, और यह जरूरी नहीं है कि हर 10 साल के बाद होने वाली जनगणना में उनके आंकड़े प्राप्त किए जाए। साथियों, मैं बता देना चाहती हूँ कि ये विषय मैं हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संपूर्ण वांग में है उसमें से इसी को क्यों चुना, इसलिए चुना क्योंकि आज भी ये विषय उतना ही प्रासंगिक है। जनगणना होने जा रही है या कुछ स्टेट में शुरू हो चुकी है, तो हमें अपनी जनगणना के सही सही आंकड़े देने चाहिए ताकि पॉलिसी उसी के आधार पर निर्मित हो। जब तक पॉलिसी में हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो पूरा का पूरा जो बलिदान है, जो जो उन्होंने झेला था अपनी लाइफ में, वो सारा कहीं ना कहीं बिखर जाएगा। इसलिए जनगणना उपयुक्त इसलिए जनगणना का जो एक पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है उसको बड़े ध्यान से देखने की ज़रूरत है, और हमें आँख कान नाक खोल कर रखने की ज़रूरत है। अब देखिए, 1901 की जनगणना के बारे में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा। जनगणना आयुक्त पर आपत्ति के इन आधारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये आपत्तियां थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के। उप आयुक्त के विचार में जाति के अनुसार गणना महत्वपूर्ण और आवश्यक थी। जनगणना आयुक्त की दलील थी, सामाजिक संस्था के रूप में जाति के गुण दोषों के बारे में चाहे वह कुछ भी कहा जाए, परंतु यह स्वीकार करना असंभव है कि भारत में जनसंख्या संबंधी समस्या पर कोई भी विचार विमर्श जिसमें जाति एक महत्वपूर्ण मुद्दा ना हो लाभप्रद हो सकता है। भारतीय समाज का ताना बाना अभी जाति व्यवस्था पर आधारित है, और भारतीय समाज के विभिन्न स्तरों में परिवर्तन का निर्धारण अभी भी जाति के आधार पर होता है। प्रत्येक हिंदू जाति में जन्म लेता है और उसकी यह जाति ही उसके धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक जीवन का निर्धारण करती है। यह स्थिति माँ की गोद से लेकर मृत्यु तक चलती है। पश्चिम देशों में समाज के विभिन्न स्तरों का निर्धारण, चाहे वह आर्थिक हो, शैक्षिक हो, व्यावसायिक हो, जिन प्रधान तत्वों के द्वारा होता है, वे बदलते रहते हैं, उदार होते हैं, और उनमें जन्म और वंश की कसौटी को बदलने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। भारत में आध्यात्मिक, सामाजिक, सामुदायिक, पैतृक व्यवसाय सबसे बड़े तत्व हैं जो उन तत्वों की अपेक्षा प्रधान तत्व होते हैं। इसलिए पश्चिम देशों में जहां जनगणना के समय आर्थिक अथवा व्यावसायिक वर्ग के आधार पर आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, वहां भारत में जनगणना के समय धर्म और जाति का ध्यान रखा जाता है। राष्ट्रव्यापी और सामाजिक संस्था के रूप में जाति के बारे में कुछ भी क्यों ना कहा जाए, उसकी अपेक्षा करने में कोई लाभ नहीं होगा। और जब तक समाज के किसी व्यक्ति के अधिकार और उसके पद की पहचान जाति के आधार पर की जाती रहेगी, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि हर 10 साल के बाद होने वाली जनगणना में इस अवांछनीय संस्था के स्थायी होते जाने में सहायता मिलती है। सन 1911 की जनगणना के अनुसार गणना किए जाने पर और अधिक जोरदार तरीके से आपत्तियां उठाई गई थी। उस समय 10 कसौटियों वाली एक विशेष प्रश्नावली जारी की गई थी। उद्देश्य यह था कि इन कसौटियों को पूरा करने वाली जातियों का एक समूह बना दिया जाए। इसमें संदेह नहीं कि ऐसी कसौटियां थी जो दलित वर्गों को
सवर्ण हिंदुओं से अलग करती थी। सवर्ण हिंदुओं को आशंका थी कि कहीं यह परिपत्र भारत मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम मुस्लिम ज्ञापन का नतीजा था और इसका उद्देश्य दलित वर्गों को हिंदुओं से अलग कर देना था ताकि हिंदू समाज की संख्या और उसकी महत्ता को कम किया जाए। ये विडंबना रही भारत देश की, खासकर उस तत्कालीन समाज की, कि उनको हमेशा ये लगता रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमानों की जो आबादी है उसका आंकड़ा ज़्यादा दिखाई दे, गनीमत इसके कि हिंदुओं की आंकड़ा कम दिखाई पड़ जाए। इसलिए उन्होंने हिंदुओं में जाति व्यवस्था का जो विभाजन था उसको हमेशा नज़रअंदाज किया। यह प्रतिरोध निष्फल रहा और उन 10 कसौटियों को पूरा करने वाली जातियों की गणना जनसंख्या रिपोर्ट से अलग करने के उद्देश्य को पूरा किया गया, लेकिन प्रतिरोध पूर्णतः शांत नहीं हुआ। 1921 की जनगणना के समय यह पुनः उभरा। इस अवसर पर औपचारिक रीति से जातीय विवरणी पर आपत्ति उठाने का प्रयास किया गया। 1920 में सम्राट की विधायिका इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसमें जाति संबंधी पूछताछ की आलोचना की गई। आलोचना के आधार पर जाति भेद की प्रथा को सरकारी प्रयास द्वारा मान्यता देना और बनाए रखना वांछनीय नहीं है। नंबर 2, विवरणियां गलत और व्यर्थ हैं क्योंकि निम्न जातियों ने स्वयं को उच्चतर स्तर के समूहों के रूप में प्रदर्शित करने के अवसर का लाभ उठाया है। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो अस्पृश्यों की संख्या का की जानकारी पाना संभव न हो पाता। सौभाग्य से प्रस्ताव की अनुपस्थिति के कारण प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई और 1921 की जनगणना आयुक्त सामान्य रीति से अपनी जांच करने के लिए स्वतंत्र रहा। तीसरे, 1911 से पहले किसी भी जनगणना आयुक्त ने अस्पृश्यों की अलग से गणना करने का कोई प्रयास नहीं किया। भारत में पहली बार आम जनगणना 1881 में हुई। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि 1881 की जनसंख्या रिपोर्ट में भारत की कुल जनगणना करने के लिए यहाँ की प्रजातियों की सूची बनाने और उनका कुल योग करने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया गया। इस रिपोर्ट में विभिन्न हिंदू जातियों का उच्च या निम्न अथवा स्पृश्य या अस्पृश्य जातियों के रूप में कोई वर्गीकरण नहीं किया गया। भारत की दूसरी आम जनगणना 1891 में हुई। इस जनगणना में पहली बार जनगणना आयुक्त ने जनसंख्या को जाति, प्रजाति और उच्च निम्न जाति के रूप में वर्गीकृत करने की कोशिश की। भारत की तीसरी आम जनगणना 1901 में हुई। इस जनगणना में वर्गीकरण का एक नया सिद्धांत अपनाया गया। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि देसी जनमत द्वारा सामाजिक पूर्वता के आधार पर वर्गीकरण, हिंदू समाज जैसे समाज के लिए यह सिद्धांत सर्वाधिक उपयुक्त सिद्धांत था क्योंकि यह समता को स्वीकार नहीं करता और उसकी समाज व्यवस्था उच्चतर और निम्नतर के श्रेणीकरण की व्यवस्था है। भारतीय जनता का जो विशाल वर्ग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में जाति के आधार पर संगठित है, उसके सामाजिक जीवन और समूह का जितना सुस्पष्ट चित्र सामाजिक पूर्वता का यह सिद्धांत प्रस्तुत कर सकता है उतना अन्य कोई नहीं कर सकता। अब हम आते हैं दूसरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पॉइंट के ऊपर कि करोड़ों की आबादी को कैसे नकारने का प्रस्ताव किया गया। सन 1911 की जनगणना और पृथक गणना का पहला जो प्रयास था, आखिर वो था क्या? जनगणना आयुक्त ने स्पष्ट रूप से और सोच समझकर अस्पृश्यों की संख्या सुनिश्चित करने का प्रथम प्रयास 1911 में किया। 1911 की जनगणना में ठीक पहले का समय ऐसा था जब मार्ले मिंटो सुधार प्रारंभिक व्यवस्था में थे और यह समय था जब भारत के मुसलमानों ने पृथक निर्वाचन मंडलों के जरिए विधान मंडलों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व पाने के लिए आंदोलन शुरू किया था। अपने प्रचार के अंग के रूप में मुसलमानों का प्रतिनिधि मंडल काउंसिल में तत्कालीन भारत मंत्री लॉर्ड मार्ले से मिला और उसने यह 27 फरवरी 1909 को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। उस ज्ञापन में कहा गया, जो मूल अंग्रेजी के पांडुलिपि में दर्ज नहीं किया गया, ये संपादक ने स्टेटमेंट दिया है,
कि जो मूल अंग्रेजी की जो पांडुलिपि थी उसमें इस बयान को, उस ज्ञापन को दर्ज नहीं किया गया। सन 1907 में अस्पृश्य के बारे में मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने अपने ज्ञापन में जो आग्रह किया उसका कोई संबंध 4 वर्ष के बाद अस्पृश्यों की अलग से गणना करने में के जनगणना आयुक्त के विचार से है या नहीं, यह एक ऐसा मामला है जिसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि जनगणना आयुक्त ने 1911 में जिस कार्य का प्रस्ताव रखा वह केवल उन उपायों की चरम परिणति हो जिन्हें उसके पूर्व के आयुक्त ने जनसंख्या के अध्ययन के लिए अपनाया। जनगणना आयुक्त की छानबीन ने अटकलों की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। उन्हें तथ्य मालूम कर लिया कि अस्पृश्यों की आबादी कितनी थी। 1911 की जनगणना आयुक्त की खोजों के अनुसार अस्पृश्यों की संख्या जो बताई गई वह थी कुल आबादी, दलित वर्गों की आबादी, कुल सीटें और दलित वर्गों के लिए सीटें। कुल आबादी मद्रास को दिया लाख में बताया गया है। मद्रास की कुल आबादी थी 39.9% और दलित वर्गों की आबादी 6% थी। कुल सीटें 120, दलित वर्गों के लिए सीटें 2। बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा मैं आप सबके सामने साझा करने जा रही हूँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संपूर्ण वाग्मय के खंड 10 से। कुल आबादी का जो आंकड़ा बताया गया जनगणना में उसका मैं वर्णन कर रही हूँ। बॉम्बे 19.5 वर्गों की संख्या, दलित वर्ग की संख्या 0.6, कुल सीटें 113 और दलित वर्ग के लिए सीटें 1। बंगाल की क्या स्थिति थी? कुल आबादी थी 45.0, दलित वर्गों की आबादी 9.9 और कुल सीटें 127, दलित वर्ग के लिए 1 सीट। संयुक्त प्रांत 47, दलित वर्गों की आबादी 10.1, कुल सीटें 120, दलित वर्ग के लिए 1 सीट। पंजाब की क्या हालत थी? कुल आबादी 19.5, दलित वर्गों की आबादी 1.7, कुल सीटें 8.5 और दलित वर्गों के लिए सीटें 0.0। बिहार और उड़ीसा की क्या स्थिति थी? 32.4, कुल आबादी 32.4, दलित वर्गों की आबादी 9.3, कुल सीटें 100, दलित वर्ग के लिए 1। उड़ीसा 32.4, दलित वर्ग की आबादी 9.3, कुल सीटें 100, 1। मध्य प्रांत 12, कुल आबादी, दलित वर्गों की आबादी 3.7, कुल सीटें 72, दलित वर्ग के लिए 1। आगे हम बढ़ते हैं, असम का क्या डाटा था? 6.0 कुल आबादी, दलित वर्गों की आबादी 41.9, कुल सीटें 791, दलित वर्गों के लिए 0। सॉरी माफी चाहूंगी, इसमें दोबारा हम असम का आंकड़ा देखते हैं। कुल आबादी 6.0, दलित वर्ग की आबादी 0.3, कुल सीटें 54 और दलित वर्गों के लिए सीटें 0। अब कुल आबादी कितनी थी? 221.2 सभी स्टेट का टोटल का आंकड़ा आयुक्त ने दिया है 1911 की जनगणना में। दलित वर्ग की आबादी थी 41.9, कुल सीटें मिली हैं 791, दलित वर्गों के लिए सीटें थी 7। ये जो मैंने अभी आंकड़ा आपके सामने दिखाया ये ग्रंथमाला के खंड 4 में पृष्ठ 75 में दोबारा से लिया गया है, दोबारा से मुद्रित किया गया है। मूल अंग्रेजी की पांडुलिपि में यह दर्ज नहीं किया गया था। हो सकता है कि बाहर वाला कोई व्यक्ति इन कसौटियों की महत्ता और प्रभाव को न समझ पाए। वह पूछ सकते हैं कि इस सब का अस्पृश्यता से क्या लेना देना है, लेकिन अस्पृश्यों की आबादी सुनिश्चित करने से संबंधित प्रश्न के संदर्भ में उनकी महत्ता और प्रभाव को वह समझ पाएगा। जैसा कि बताया जा चुका है अस्पृश्यता का कोई कानूनी परिभाषा नहीं थी और कोई परिभाषा हो भी नहीं सकती थी। इसके रक्त से कोई संबंध नहीं। अस्पृश्यता स्वयं को सिर के बल और चमड़ी के रंग के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसका रक्त से कोई संबंध नहीं था। कतिपय प्रथाओं के पालन और व्यवहार के तरीकों में अस्पृश्यता परिलक्षित होती है। अस्पृश्यता वह व्यक्ति है जिसके साथ हिंदू एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करते हैं और जो हिंदुओं में भिन्न कतिपय रीति रिवाजों का पालन करता है। सामाजिक मामलों में अस्पृश्यता के साथ हिंदू निश्चित प्रकार का व्यवहार करते हैं।
अस्पृश्य उन्निश्चित प्रथाओं का पालन करते हैं। जब स्थिति यह है तो कौन अस्पृश्य है उसका पता लगाने का केवल यही तरीका है कि उनके रीति रिवाजों को कसौटिया माना जाए और पता लगाया जाए कि कौन सी जातियां उनका पालन करती हैं, अन्य कोई उपाय है ही नहीं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का स्टेटमेंट था। यदि बाहर वाला व्यक्ति इन बातों को ध्यान में रखता है तो वह समझ पाएगा कि यद्यपि जनगणना उपायुक्त द्वारा निर्धारित कसौटियां अस्पृश्यता का कोई रंग नहीं दर्शाती, फिर भी तथ्य यह है कि वे अस्पृश्यता के प्रमाण चिन्ह हैं। जब स्थिति यह है तो इसके बारे में कोई संदेह नहीं रह जाता कि प्रक्रिया उचित थी या कसौटियां खरी थी। अतः यह कहना सही होगा कि जहां तक इस प्रकार के मामले हो सकते हैं, इस छानबीन के नतीजे महत्वपूर्ण थे और पर्याप्त आंकड़े सही थे। अस्पृश्यों की कुल आबादी के बारे में 1911 के जनगणना आयुक्त के निष्कर्षों की पुष्टियां जो करते हैं वो 1921 के जनगणना आयुक्त ने दिए हैं। ये महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए कि जो 1911 के जो आंकड़े थे, जो निष्कर्ष आयुक्त ने निकाले थे, 1921 की जनगणना में उनका एक तरह से उनकी पुष्टि की गई, उनको उनकी जांच पर की गई। सन 1921 की जनगणना आयुक्त ने अस्पृश्यों की आबादी को सुनिश्चित करने के लिए छानबीन की। इस रिपोर्ट के भाग एक में जनगणना आयुक्त ने कहा, हाल के वर्षों में समाज के कतिपय वर्ग को दलित वर्ग कहने का रिवाज सा हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम आपके बीच में कर रहे हैं क्योंकि बार बार ये जो कहा जाता है कि ये जो शब्द आया है ये कहाँ से आया है, आखिर इस शब्द के पीछे का जो थैंक यू रमेश जी, आपने कहा कि आज हरियाणवी लहजा नहीं आ रहा, आज मैं शहरी जैसा दिखाई देने की कोशिश कर रही थी। खैर बहरहाल अब आएगा, आपने मुझे बता दिया रमेश जी। हाँ तो मैं आगे बता रही थी कि जो दलित वर्ग को का के ऊपर जो कहा जाता है उसके ऊपर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो खंड 10 था उसमें कैसे वर्णन किया है। ये कहा कि आयुक्त का मैं स्टेटमेंट पढ़ रही थी अभी, हाल के वर्षों में समाज के कतिपय वर्ग को दलित वर्ग कहने का रिवाज सा हो गया है। जहां तक मुझे मालूम है दलित वर्ग शब्द की कोई अंतिम परिभाषा नहीं है और न ही निश्चित रूप से इससे यह पता चलता है कि कौन कौन इसके अंतर्गत आते हैं। 1912 और 17 तक की शिक्षा संबंधी प्रगति के बारे में पंचवर्षीय समीक्षा जो अध्याय 18 और पैराग्राफ 501 में शिक्षा सहायता अथवा प्रगति की दृष्टि से दलित वर्गों पर विशेष रूप से विचार किया गया है, उस रिपोर्ट के प्रशिष्ट 18 में एक सूची दी गई है। इसमें इस समुदाय के इस वर्ग की जातियों और उपजातियों का उल्लेख किया गया है। इस सूची के अनुसार दलित के रूप में वर्गीकृत कुल आबादी 3,10,00,000 अथवा ब्रिटिश भारत की हिंदू जनजातीय आबादी का 29% बताई गई है। इसमें संदेह नहीं कि एक सरकारी रिपोर्ट में संभवतः आपत्तिजनक लगने वाले सामाजिक विभेद को प्रकाशित करने में अप्रसन्नता का कुछ जोखिम है, लेकिन यह तथ्य यह है कि सूचियां प्रकाशित हो चुकी हैं और विशेषतः दक्षिण भारत में दलित वर्गों में वर्ग चेतना और वर्ग संगठन पैदा हो चुका है और उनकी सेवा में वे विशेष मिशन कर रहे हैं, जिन्हें परोपकारी संस्थाओं ने खड़ा किया है और जिन्हें अधिकृत रूप से विधान मंडलों में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इस तथ्य को देखते हुए निश्चित ही यह उचित दिख पड़ता है कि इन तथ्यों का सामना किया जाए और उनकी संख्या के बारे में आंकड़ों का कुछ आंकलन प्राप्त किया जाए। अतः मैंने प्रांतीय अधीक्षकों से कहा है कि वे मेरे सामने एक आंकलन प्रस्तुत करें। मैंने ये कहा कि आंकलन में उन जातियों की कमोबेश सही संख्या के लिए जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जाए जिन्हें आमतौर पर दलित की श्रेणी में शामिल किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण हमारे सामने एक ललित जी बोल रहे हैं कि बहुत सोच समझ के बोला जा रहा है, इसलिए मेरा ध्यान आप सबके कमेंट की तरफ भी जाता है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी बातचीत को इतने गौर से सुनते हैं, मुझे मेरा ध्यान और उसकी तरफ चला जाता है। खैर हम बात कर रहे थे कि अस्पृश्यों की आबादी 5,00,000 के आसपास आंकी गई। अस्पृश्यों की इतनी आबादी है इसका पता 1911 की जनगणना आयुक्त ने लगाया, उनकी पुष्टि 1921 के जनगणना आयुक्त ने की और 1929 में साइमन कमीशन ने की। 20 साल तक
यह तथ्य रिकॉर्ड में दर्ज रहा। उस बीच किसी भी हिंदू ने उसे कभी भी चुनौती नहीं दी। वास्तव में यह उनका विभिन्न कसौटियों की रिपोर्ट के आधार पर दृष्टिकोण था, जिन्हें साइमन कमीशन के सहयोग करने के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधान मंडलों ने नियुक्त किया था। इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि उन्होंने उस आंकड़े को बिना किसी आपत्ति के स्वीकार किया। लेकिन 1932 में जब लोथियन कमेटी बनी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल बाबा साहब अम्बेडकर उठाते हैं कि जब 1932 में लोथियन कमेटी बनी, उसने जांच पड़ताल शुरू की, तो अचानक हिंदुओं ने चुनौती भरा रुख अपनाया और उसने इन आंकड़ों को सही मानने से इनकार कर दिया। कुछ प्रांतों में तो हिंदुओं ने यहाँ तक कहा कि वहाँ तो कोई अस्पृश्य है ही नहीं। ये ठीक उसी तरीके से आंकड़ा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सारी सरकारों से, भारत की सारी सरकारों से ये आंकड़ा मांगा था कि आप जो मैनुअल स्कैनिंग में जुड़े हुए जो लोग हैं उनका आंकड़ा दीजिए, बहुत सारे लोगों ने ये एफिडेविट जमा करवाया कि हमारे यहाँ तो मैनुअल स्कैनिंग का काम ही नहीं होता। यह ठीक उसी तरीके से का आंकड़ा है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सामने उस वक्त भी किया गया था। कुछ प्रांतों ने तो हिंदुओं ने यहाँ तक कहा कि कोई भी, मतलब ये एक तरह से हिंदुओं की मनोवृत्ति को दर्शाता है, अतः वांछनीय है कि उस पर कोई विस्तार से चर्चा करे। लोथियन कमेटी की नियुक्त भारतीय गोलमेज सम्मेलन के मताधिकार संबंधी उप समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप की गई थी। कमेटी ने समूचे भारत का दौरा किया और मध्य प्रांत और असम को छोड़कर शेष सभी प्रांतों की यात्रा की। इन प्रांतीय कमेटी में मुख्यतः प्रांतीय कौंसिल के सदस्य थे, उनका अध्यक्ष और गैर सरकारी लोगों को बनाया गया। चर्चा को केंद्रित करने के लिए भारतीय मताधिकार कमेटी ने एक प्रश्नावली जारी की। प्रश्नावली विचारार्थ विषय के क्षेत्र पर आधारित थी। मताधिकार कमेटी ने यह प्रक्रिया निर्धारित की कि प्रांतीय सरकारें प्रश्नावली में उठाए गए मुद्दों पर अपने निजी दृष्टिकोण निर्धारित करें और उनके बारे में कमेटी में चर्चा करें। प्राधिकृत सलाहकार के रूप में मान्य प्रांतीय कमेटियां स्वतंत्र रूप से अपने दृष्टिकोण निर्धारित करें और स्वविवेक से साक्षियों के लिखित बयानों के आधार पर प्रारंभिक पड़ताल करें। अतः भारतीय मताधिकार कमेटी की रिपोर्ट विस्तृत पड़ताल पर आधारित संपूर्ण दस्तावेज है। फिर उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पंजाब का, संयुक्त प्रांत का, बंगाल का, बिहार और उड़ीसा का जो आयुक्त की जो रिपोर्ट थी जनसंख्या के आंकड़े को लेकर, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा सा दरवाजा बंद करके आती हूँ। माफी चाहूंगी। हाँ, तो मैं बता रही थी कि बिहार और उड़ीसा का जो एक तरह से जो आंकड़ा था वो विस्तार के रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक तरह से उनके आंकड़े को तथ्य मानते हुए इसके ऊपर बातचीत की, जो तथ्य पर आधारित बातचीत थी। उनके जो दावे थे लोथियन कमेटी के सामने, अस्पृश्यों की संख्या घटाने के लिए हिंदुओं ने दो दिखावटी आधारों पर जोर दिया, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक यह थी कि जनगणना आयुक्त ने जो आंकड़े दिए वे दलित वर्गों के बारे में थे, अस्पृश्यों के बारे में नहीं थे, और दलित वर्ग में अस्पृश्यों के अलावा अन्य वर्ग भी शामिल थे। उनका दूसरा आधार यह था कि अस्पृश्य शब्द की व्याख्या समूचे भारत में एक जैसी होनी चाहिए और अस्पृश्यों की आबादी तय करने के लिए उसे सभी प्रांतों में लागू किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्होंने अस्पृश्यता की स्थानीय कसौटी पर आपत्ति की। पहला दावा नितांत असत्य था, दलित वर्ग शब्द का प्रयोग अस्पृश्यों के पर्याय के रूप में किया गया था। अस्पृश्य शब्द के स्थान पर दलित शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया था कि यह सोचा गया कि अस्पृश्य शब्द उन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा जिन्हें इस शब्द की परिधि में लाया जाना था। दलित शब्द का प्रयोग केवल अस्पृश्यों के लिए किया गया था और इससे आदिवासी और जरायम पेशा लोग शामिल नहीं थे। यह बात उस बहस में स्पष्ट कर दी गई थी कि जो 1916 में सम्राट की विधीय परिषद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में माननीय श्री दादा भाई द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर हुई थी। सवर्ण हिंदुओं का
दूसरा दावा यह था कि अस्पृश्यता की कसौटी एक जैसी होनी चाहिए। इस दावे को प्रस्तुत करने का उद्देश्य अस्पृश्यों की संख्या को कम करना था। सभी जानते हैं कि भारत के अलग अलग भागों में अस्पृश्यता के अलग अलग रूप हैं। भारत के कुछ भागों में अस्पृश्य दृष्टि विभाजित है, वर्जित है, यानी उन पर किसी अस्पृश्य हिंदू की दृष्टि पड़ जाती है तो वह अपवित्र हो जाता है। कुछ भागों में वे सामीप्य वर्जित हैं, यानी वे अपवित्र कर देते हैं। यदि वे किसी अस्पृश्य हिंदू के पास निश्चित दूरी के भीतर आ जाते हैं, इन अस्पृश्य वर्जितों के भी दो वर्ग हैं। एक वर्ग वह है जो अस्पृश्य जो स्पृश्य हिंदू के पास किसी निश्चित दूरी के भीतर नहीं जा सकता। समीप्य वर्जितों का दूसरा वर्ग वह है जो किसी हिंदू के इतना निकट नहीं कहा जा सकता कि उसकी छाया हिंदू पर पड़ जाए। भारत के कुछ भागों में अस्पृश्य दृष्टि वर्जित या समीप्य वर्जित नहीं है, केवल उसका शारीरिक स्पर्श ही अपवित्र करता है। ये मैं इसलिए भी कह सकती हूँ कि मैं जब 7वीं या 8वीं क्लास में थी, मेरे गाँव में जहाँ से मैं आती हूँ, राजौंद मेरा गाँव है, हमारे यहाँ एक बनिया हुआ करता था जिनके यहाँ हम छोटा छोटा सामान लेने जाते थे। जैसे चीनी की जरूरत पड़ी तो चीनी ले आए, डालडा घी की जरूरत पड़ी तो डालडा ले आए, तेल की जरूरत पड़ी, हल्दी की जरूरत, ऐसे हम लोगों ने मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरे घर में कभी भी इकट्ठा सामान लाया गया होगा। इकट्ठा इन द सेंस 1 किलो चावल ले आए मान लीजिए, और 1 किलो चीनी ला के रख ली, हल्दी ले आए, पत्ती ले आए, हमारे यहाँ कभी भी इकट्ठा सामान नहीं आया। हमारे यहाँ जब भी जरूरत हुई, मान लो चाय बनानी है तो इतनी सी चीनी पत्ती लेके आए दुकान पे, थोड़ा थोड़ा सामान लेके आते थे क्योंकि इतने पैसे होते ही नहीं थे। हर दिन कुआं खोदना हर दिन पानी की तरह होता, तो मुझे आज भी याद पड़ता है कि मेरे गांव में जो जो एक तरह से जब गांव में हम लोग जाते थे सामान लेने के लिए, जिस बनिया का मैं जिक्र कर रही थी, मुझे आज भी याद पड़ता है कि, और मैं स्कूल में जाती थी उस वक्त, मैं अनपढ़ भी नहीं थी, स्कूल में जाने वाली थी। मेरे यहाँ एक ऊंची जाति की महिला भी सामान लेने के लिए आई थी। मैं बहुत शुरू से, मैंने कहा ना कि बहुत जिद्दी किस्म की रही हूँ और भाग दौड़ टाइप सी, बड़ा मतलब मेरी घर में जो उपाधियाँ दी जाती थी मुझे, एक तरह से बकरी कहा जाता था, चरती रहती है सारा दिन, या रूंगा मांगती थी दुकानदार से, रूंगा इन से सामान खरीदने के बाद कोई भी सामान ले लेना। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैं भागी भागी आई, मुझे हल्दी चाहिए थी, माँ सब्जी बना रही थी, हल्दी थी नहीं, तो मैं दुकान में, हमारे यहाँ प्रीतम बाणिया हुआ करता था, प्रीतम बाणिया की दुकान पर मैं फटाफट वो लेने के लिए गई हल्दी। मैं भाग के एकदम जैसे ही दुकान में घुसी, मुझे पता नहीं था कि आगे कौन खड़ा है, तो एक महिला खड़ी हुई थी जो अपर कास्ट से आती थी, उसने तुरंत मेरे को देख ही एकदम ऐसे चिल्लाई, मैं एकदम डर गई, मैं पता नहीं क्या हुआ, उसने तुरंत चिल्ला के कहा छुटे के भिट दिया पिछड़ तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ऐसे क्यों कर रही है। अभी मेरे को जाके नहाना पड़ेगा, बड़बड़ करते हुए उसने मेरे को 500 गालियां दी जो मैं आपके सामने यहां बता नहीं सकती, इतनी गंदी गालियां थी उन्होंने, मतलब मैंने उसको भेंट लिया था, भेंट इन द सेंस मैंने उसको छू लिया था, जिसको आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सामीप्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना, दृष्टि वर्जित है, देखना आंखों से देख लेना, वो अपराध की श्रेणी में आता है। समीप्य वर्जित है जिसमें अगर थोड़ा सा निकट आ जाए तो भिट जाता है, अछूत हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। तो ये मेरा अपना जीवन का अनुभव, जो अब की बात कर रही हूँ, उस जमाने में जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रहे होंगे, उनका समय जो था उस वक्त कैसी स्थिति होगी, आप उसकी केवल कल्पना ही कर सकते हैं। आप सोच के देखिए, अगर ये स्थिति आज भी भारत के समाजों में है, उस वक्त कितनी रही होगी, ये हमारे लिए बहुत शोचनीय विषय है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। जो कहा, केवल शारीरिक शिक्षा ही स्पर्श ही अपवित्र करता है। कुछ भागों में अस्पृश्य है जिसे जल और अन्न को छूने नहीं दिया जाता, कुछ भागों में अस्पृश्य है जिसे मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। ये तमाम अस्पृश्यता की फॉर्म है जो भारत के हर एक हिस्से में अलग अलग तरह से किया जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि यदि समीप्य वर्जनीयता कसौटी माना जाए तो स्पर्श मात्र से अपवित्र करने वालों को अस्पृश्य की श्रेणी से अलग करना होगा। यदि स्पर्श द्वारा अपवित्रता को कसौटी माना जाए तो उन लोगों को बहुत मन भारी हो गया। आज मुझे वो घटना मुझे याद आ रही है क्योंकि मुझे उसका, उस महिला का चेहरा भी यूं का यूं याद आ रहा है, हालांकि मुझे ये याद भी नहीं था। प्रसंग आज अचानक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वाले उनको पढ़ते हुए मुझे ध्यान आया। मैंने इसको आत्मकथा में लिखा भी नहीं, अभी याद आया है मुझे कि ये भी प्रसंग था, और वो इतना गहरा है कि मैं इसको शब्दों से बयान करना, उस फीलिंग को बयान करना, मुझे आज भी, अब मुझसे सच बताऊँ तो पढ़ा भी नहीं जा रहा, मन बहुत
दुखी महसूस कर रहा है। एकदम कैसी जिंदगी जी रहे थे हम लोग इतनी आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी आज हम उसी, और ये तो उन मेरा छोटा गांव नहीं है, मेरा तो कस्बा है, पूरे बड़ा गांव है मेरा गांव राजा। आप सोच के देखिए वो छोटे छोटे गांव जहां बिजली पानी सड़कें इनकी कोई सुविधा नहीं है, उनमें कैसे दलितों के साथ व्यवहार होता होगा हम कल्पना नहीं कर सकते। भारत सरकार उन एरिया में जाके देखे कि उनकी सच में हालत क्या है। मुझे आज भी याद पड़ता है मेरा, मैं जब रोहतक से पी एम फिल कर रही थी, एक जे एन यू यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने एक सर्वे करवाया था एक गांव में, तो मुझे आज भी याद पड़ रहा है, मैं भी उस सर्वे का हिस्सा थी। और उस गांव में जब हम लोग गए थे, मुझे ये भी प्रसंग मैंने अपनी आत्मकथा में नहीं लिखा, अभी मुझे याद आया, मतलब उसने हम जब गांव में एंटर किया तो हम सरपंच के घर पे गए थे। जाहिर सी बात है आंकड़े तो सरपंच के घरों में ही इकट्ठे हुआ करते थे, ये तो मेरा अपने अनुभव के आधार पर बता रही हूँ मैं तो। और मज़ेदार बात ये देखी है कि वो सरपंच जो थी वो दलित वर्ग से आने वाली थी। मानसिकता देखिए, ये सिर्फ सवाल, मतलब मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, ये सवाल सिर्फ उच्च और नीचे वर्ग का नहीं है, ये सवाल सामान्य और दलित वर्ग का नहीं है, बल्कि जो जाति व्यवस्था की जो जड़ें हैं वो कितने दलित वर्गों के अंदर भी कितने गहरे से जा चुकी हैं, ये सोचने वाला दृष्टिकोण है हमारा। कि हम केवल ये कह के कि अपर कास्ट ही जाति को प्रैक्टिस करता है, दलित नहीं करता, ऐसा नहीं है। मतलब मैं बिल्कुल इसका खंडन करती हूँ, हालांकि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम दलित वर्गों की एकता को खंडित करें, लेकिन जो हकीकत है उसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मुझे आज भी याद पड़ता है कि गांव में रोहतक के पास का गांव था, हम जब गए, दलित वर्ग से आने वाली सरपंच थी, उसके घर में जो नाला था वो नाले में इतना गंध बह रहा था कि वो चौकट को लांघने वाला था। तो मैंने जैसे मैं लांघने गई मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा सरपंच साहब पूरे गांव की ठेकेदारी तो आपने ले रखी है, कम से कम अपने घर की गली को भी साफ कर लो ना, यहाँ से लांघा भी नहीं जा रहा, बड़ी मुश्किल से लांघा। मैंने बड़े, मुझे पहले से पता था कि ये दलित है, मैंने मेरे बात में बड़ा मतलब वो था कि आप सबका काम कर रहे हैं तो आप अपने ही घर की गली को साफ नहीं करना चाहते, ये क्या है। तो उसने तुरंत जो तपाक से जो जवाब दिया था, मैं उस जवाब को आपके सामने साझा करना चाह रही हूँ। उसने मुझे पता है क्या कहा तुरंत, और उसको भी पता था कि मैं क्या, उसने तुरंत में ये कहा कि ये चूड़े है ना सिर के ऊपर चढ़ रहे हैं, मस्त रहे हैं, ये पैसे तो आ जाते हैं हर महीने लेने के लिए, लेकिन ये गली को साफ नहीं करते। तो सोच के देखिए ये जाति व्यवस्था का क्रूर चेहरा है हमारे दलितों के बीच में भी। मुझे याद पड़ रहा है कि उस वक्त, और क्योंकि क्या हुआ कि अकेली मैं शेड्यूल कास्ट लड़की थी, हमारे साथ जितने थे वो अपर कास्ट के थे, और इकोनॉमी का सर्वे वो किया जा रहा था, जिस सर्वे का मैं हिस्सा थी, तब मैं एमफिल की स्टूडेंट थी, अनपढ़ नहीं थी मैं। आप ये देखिए कि उन सब के बीच में मैं अकेली महिला थी शेड्यूल कास्ट, और उस महिला ने जिस तरीके से मुझे तुरंत सबके बीच में नंगा कर दिया वो शब्दों से बयान भी किया नहीं जा सकता। मुझे देख के उसने तुरंत ये कहा कि चूड़े सिर के ऊपर चढ़ रहे हैं, मतलब ये जो शब्द हैं इस शब्द से ज़्यादा जो उसके मुंह का जो लहजा था बात करने का, जो आंखों का देखने का मेरी तरफ नज़रिया था, उसको मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती। खैर हम आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि यदि स्पर्श द्वारा अपवित्रता को कसौटी माना जाए तो उन लोगों को अलग 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 करना होगा जो जल या अन्न नहीं छू सकते। हिंदू यही कहना चाहते थे, एक जैसी कसौटी का आग्रह करके वे कतिपय वर्गों को अस्पृश्यों की श्रेणी से अलग करना चाहते थे, जिससे वे अस्पृश्यों की संख्या कम हो जाए। जाहिर है कि उनका दृष्टिकोण भ्रामक था। अस्पृश्यता किसी एक व्यक्ति के प्रति किसी हिंदू की आंतरिक घृणा की बाह्य अभिव्यक्ति है। यह घृणा कैसा रूप धारण करती है यह वह अपेक्षता एक नगण्य मामला है। रूप तो केवल घृणा की मात्रा का दर्शाता है। घृणा है जहां अस्पृश्यता है वहां। यह सहज सत्य हिंदुओं से छिपा नहीं है, पर वे जोर शोर से कसौटी की एक रूपता को राग लापते हैं, क्योंकि वे चाहते थे कि जैसे भी हों अस्पृश्यता की संख्या को कम किया जाए और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बड़े हिस्से को हड़प लिया जाए। आज की चर्चा हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अंतिम शब्दों से करना चाहेंगे। माफ़ कीजिएगा, मुझे
बहुत सारी मैं पीछे चले गई असल में अपनी ज़िंदगी के, मैं बाहर निकलने की कोशिश करूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कोट से आज की चर्चा मैं समाप्त करना चाहूँगी। अस्पृश्यों का त्रास ही हिंदुओं का अपराध है, अस्पृश्यों का त्रास ही हिंदुओं का अपराध है। हिंदुओं की धार्मिक मनोवृत्ति में क्रांति के लिए अस्पृश्यों को कितना इंतजार करना पड़ेगा, इसका उत्तर वहीं दे जो भविष्यवाणी करने की योग्यता रखते हैं। मैं एक बार फिर दोहराना चाहती हूँ, अस्पृश्यों का त्रास ही हिंदुओं का अपराध है। हिंदुओं की धार्मिक मनोवृत्ति में क्रांति के लिए अस्पृश्यों को कितना इंतजार करना पड़ेगा, इसका उत्तर वहीं दे जो भविष्यवाणी करने की योग्यता रखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की पाठ वाचन में आज हमने किया डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय खंड 10 का वाचन। मैं तमाम मित्रों से यह निवेदन करूंगी कि हम 129वीं जयंती बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मनाने जा रहे हैं। सेफ रहिए, घर में रहिए, घर पर रहकर मनाइए और इस त्रासदी का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पाठों के साथ, उनके साहित्य के साथ, मनाने के साथ साथ जानने के साथ मनाइए। जय भीम, जय भारत।